डीटीओ कार्यालय में परिवहन निरीक्षकों की अनुशासनहीनता का मामला। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुमन भाटी पहुंची जांच करने। डीटीओ सहित निलंबित निरीक्षकों और कार्यालय कर्मियों से ले रही जानकारी। परिवहन विभाग ने मामले को लिया गंभीरता से। परिवहन मंत्री निर्देश पर निरीक्षक भंवरलाल चौधरी और लिखमा राम जांगू को किया गया है निलंबित। कल कार्यालय में हुई थी दो निरीक्षकों में हाथापाई। टिडवाना के जिला परिवहन कार्यालय में दो परिवहन निरीक्षकों के बीच हाथापाई के मामले में परिवहन विभाग गंभीर हो गया है। परिवहन विभाग की ओर से इस मामले को अनुशासनहीनता मानते हुए पूरे मामले की जांच कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए अजमेर की प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुमन भाटी आज जांच करने डिडवाना परिवहन कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी मक्खन लाल जांगीर सहित निलंबित निरीक्षकों और कार्यालय के कर्मचारियों से मामले की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अलग अलग वार्ता कर मामले की जानकारी जुटाई, जिसके आधार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर परिवहन आयुक्त को सुपुर्द की जाएगी। वहीं इस मामले में जिला परिवहन अधिकारी मक्खन लाल जांगीर की भूमिका की भी जांच की जाएगी। कार्यालय परिसर में विभाग के दो अधिकारियों के झगड़ने के बावजूद उनके द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया। गौरतलब है कि डिडवाना स्थित जिला परिवहन कार्यालय में कल परिवहन निरीक्षक लिखमा राम जांगू को भंवरलाल चौधरी आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। इस मामले की जानकारी परिवहन मंत्री को मिलने पर उन्होंने परिवहन आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद दोनों परिवहन निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया था। इधर परिवहन विभाग के सभी कर्मचारियों ने आज इस घटना के विरोध में एक दिन का कार्य बहिष्कार कर दिया। साथ ही आरटीओ सुमन भाटी को एक ज्ञापन सौंप कर घटना की निष्पक्ष जाँच की मांग की। डिडवाना से रिपोर्टर गुलाम नबी आजाद। कल का ये जो घटनाक्रम कार्यालय में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के लिए हम प्राइमरी फेसी एक जांच रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि फैक्ट्स क्या थे, कल वास्तविक घटना हुई क्या थी, ताकि किसी निर्दोष पे किसी तरह की आंच ना आवे और जिसने वाकई जो इसमें जिसने जानबूझकर इस तरह की कुछ घटना करी है सिर्फ उसी को दोषारोपण किया जाए उसी पर। इसी के आज हम एक जाँच रिपोर्ट के लिए आए हैं, संभवतः शाम तक रिपोर्ट हम मुख्यालय भेज देंगे। किस तरह की कार्रवाई रहेगी अब आपकी तरफ से? अभी मुख्यालय के निर्देश पर हमको प्राइमरी फेसी एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि एक्चुअली कल की घटना क्यों हुई और इसे किस स्तर पे यदि रोका जा सकता था तो क्या क्या किया जा सकता था, और यही रहेगा कि इस रिपोर्ट के आधार पे आगे मुख्यालय जो भी उचित समझेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मुख्यालय ने इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया है और परिवहन मंत्री ने भी इस घटना पर चिंता जताई है, तो ऐसे में अब आगे क्या डिपार्टमेंट? नहीं, ये घटना वाकई गंभीर थी क्योंकि विभाग की छवि पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब इस तरह की कोई घटना कहीं भी घटित होती है, तो इसके जो भी रेपरकशंस होंगे, जो प्राइमरी फेसी डिपार्टमेंट इस पे एक्शन लेगा वही चेतावनी रहेगा विभाग के लिए कि इस तरह की घटनाक्रम कभी पुनः दोहराया ना जाए। कल दोपहर लगभग 2:30 के आसपास श्री लिखवाराम जी जांगू परिवहन निरीक्षक, जो कि पर्वतसर और मकराना क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनकी DFS 22 है उसमें वो कार्य करते हैं, वो यहाँ ऑफिस पर ऑफिस कार्यालय डिडवाना आए। उस समय मैं संयोग से सरकारी कार्यवश पर्वत क्षेत्र में ही भ्रमण पर था। मुझे लगभग 3 बजे कार्यालय से किसी ने फ़ोन किया कि कार्यालय में इस तरह से दो निरीक्षकों के बीच में झगड़ा हो गया है। मुझे जानकारी मिली कि श्री जांगू ने कार्यालय में कार्यरत इंस्पेक्टर श्री भंवरलाल चौधरी को थप्पड़ मारा और आपसी कहासुनी हुई। इस घटना के पश्चात मुझे जानकारी मिलने के पश्चात मैं पर्वतसर से रवाना होकर डिडवाना पहुंचा, जहां पर दोनों इंस्पेक्टर पहले से ही थाने पर मौजूद थे। मैं सीधा पुलिस थाना डिडवाना गया, जहां आपस में वार्ता इनकी हो रही थी और एक दूसरे के लिए रिग्रेट वो महसूस कर रहे थे कि गलत हुआ जो भी हुआ, और पहले जो FIR के लिए लिख कर दिया गया था उसको उन्होंने वापस लिया और दोनों पक्षों ने आपस में एक दूसरे को महसूस करते और लिख कर वहाँ पर दिया। दरअसल ये आपस का इनका व्यक्तिगत जो है वो झगड़ा था, और व्यक्तिगत झगड़े के चलते चूंकि दोनों पक्षों के बीच में जो घटना हुई उसमें ये थाने पहुँचे और इनके द्वारा जो आपस में समझौता करने के पश्चात ऐसा कुछ बचता नहीं जिसमें जो जिला परिवहन अधिकारी की तरफ से अलग से कोई FIR इसमें दर्ज करवाई जाए, और विभाग द्वारा जो है इसकी जांच की जा रही है। विभाग ने इस संबंध में संज्ञान लिया है, विभाग इसमें कार्य